तो भाई और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, गेट के बाहर खड़े होकर उन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। दिलों में, धड़कनों में सिर्फ और सिर्फ डर है उनके सामने। चेहरे देखे इनके, पता ही नहीं क्या हो रहा है। आगे की खबर का हमें भी अंदाजा नहीं, आग लगाई किसने है, क्यों लगी और कहाँ लगी है कुछ पता नहीं। वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से वही आज की वीडियो को मैं सोच रहा हूँ काफ़ी देर बाद हमने स्टार्ट किया, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। हम घर से फटाक से निकले थे बहुत जल्दी में, क्योंकि हमें इस जगह पहुँचना था जहाँ पे हम हैं, ठीक है। और उसका रीज़न भी ये था कि अगर हम लेट पहुँचते तो यहाँ तो हमें पता है मॉल वॉल सारे 5 बजे बंद हो जाते हैं, बट हमें भूख लग रही थी। तो पहले एज यू कैन सी वी आर हैविंग सम फूड। तो तुम हो क्या रहे हो, तुम क्या खा रहे हो? इट्स प्रॉन एंड पोर्क वॉन्टन। वॉन्टन चाइनीज डिश। जिस जगह हम आ रखे इस लोकेशन का नाम है करीनब शॉपिंग सेंटर। ये पर्थ का कोई सबसे बड़ा मॉल नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, ऑन पेपर तो वेस्टफील्ड कैरोसेल है, बट भाई ये सबसे ज्यादा लग्जूरियस, लैविश और बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का बना हुआ है। अगर आप फूड कोर्ट का एरिया देख लो एकदम मस्त लेवल का, तो यहाँ लग रहा है कि आए हैं कहीं। तो यहाँ पे हम क्यों आए हैं, इस लोकेशन के बारे में पता कैसे चला, इस राज के ऊपर पर्दा किसने उठाया, ये मिस्टर पार्थ शर्मा आपको बताएंगे इसी शॉर्ट के अंदर। बात ऐसी है कि हम पर्थ में 2-2.5 साल से थे और हमने पर्थ काफ़ी घूमा, बट हमने स्पेसिफिकली इस जगह पे कभी आए नहीं थे, मतलब मौका ही नहीं लगाने का। इन्होंने भी कभी बताया नहीं कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। तो जब मॉम ने आया था तो हमने पर्थ एक्सप्लोर किया, वहाँ मेरी नज़र में पड़ा कि करीनब शॉपिंग सेंटर, जो हर बंदा बोल रहा है कि भाई अच्छी जगह, तो हम पहुँचे। मैंने कहा भाई ये तो मतलब अपने कैरोसेल से 10-20 गुना बेहतर है, उसके बेहतर शॉप्स हैं, इवन तो साइज में छोटा, बट भाई यहाँ की शॉप्स वगैरह का अलग ही मात्र है। तो तब से मेरा भाई मन अटैच हो गया इस जगह से, मेरे मॉम को भी काफ़ी पसंद आई, इन्होंने देखी नहीं थी, तो हमने कहा चलते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि काफ़ी लग्जरियस मॉल कैसा है यहाँ का, और तुम भी देख लोगे। और शॉपिंग का वैसे हमने आज तक प्लान नहीं किया, कभी नहीं करते, बट 2-3 आइटम देख लेंगे, अगर चलते फिरते पसंद आ गया तो। अपार्ट फ्रॉम दैट भोजन करते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे। खाना हो गया था हमारा, कुछ मीठा चाहिए था और लिक्विड भी चाहिए था, तो अपन ने ले डाले 2 शेक। अब दिखाते हैं मॉल आगे का। शॉप हमारा ज़ारा है, क्योंकि यहाँ पे ज़ारा काफ़ी बड़ा है, बट अगेन जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लास्ट टाइम भी हमने आपको नोटिस कराया, तो इस बार फिर से नोटिस करा रहे हैं। फैमिली से अपनी आवाज़ मत उठाना, बट लड़कियों का ना सेक्शन देखो कितना बड़ा, कितना लैविश लग रहा है वहाँ तक पीछे, मतलब दिख ही नहीं रहा, एंड नहीं दिख रहा उसका। और वो इधर कोने में लॉन्डो का छोटा सा, नहीं है तो बड़ा, बट लड़कियों के कंपैरिजन में काफी छोटा है। क्या सेंस बनती है भाई, क्या कीजिएगा, हमारे भी को वैरायटी चाहिए होती है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि लाइटिंग भी लेडीज वाले में ज्यादा लाइटिंग थी, अपना देखियो पीछे खत्म होता, शुरू होती खत्म। तो भाई ज़ारा में मैं पर्सनली सिर्फ जीन्स के लिए आता हूँ, क्योंकि इनकी जीन्स की भी फिटिंग सबसे बढ़िया आती है। इन टाइम भी मैं ज़ारा से जीन्स लेता था, बट आज उतना अच्छा स्टॉक नहीं है, और जब मैं लास्ट टाइम आया था तो डिस्काउंट पर था सामान, ठीक है, आज डिस्काउंट भी नहीं है, तो बाहर चलते हैं यहाँ से। बट ऐसा नहीं कि स्टॉक कम है, लाइक फॉर्मल का स्टॉक बहुत ज़्यादा है, टी शर्ट्स बहुत हैं, जूते भी बहुत हैं। ये डन कर देते हैं, ये सिर्फ मात्र तो $100 की है, कर लो। भैया कोच का शोरूम है, लड़कियों को पता होगा किस चीज़ के लिए है ये फेमस, हम तो ज़्यादा गए नहीं, तो मैं जाना है क्या किसी के लिए लेने, कुछ है नहीं कोई। तो भाई इस शॉप में वैसे सारा फॉर्मल सामान है, तो भाई हमारी किस्मत ख़राब है, आग लग चुकी है मॉल में, फायर अलार्म का भाई पुराना सायरन बज चुका है। हम एक शॉप पे गए थे टी शर्ट ट्राई करने के, उसने बोलते भाई टी शर्ट होगी बाद में, अब मैं दुकान कर रहा हूँ। अरे नहीं, लोग अपनी दुकान लॉक करके जा चुके हैं,
So, क्या कीजिएगा, किस्मत ही खराब हमारी। तो भाई अलार्म बज के बंद भी हो चुका है, पूरा मॉल खाली हो चुका है, एज यू कैन सी पीछे कोई नहीं है, हमारे इधर भी कोई नहीं है, बट हमें पता आदत है इस चीज़ क्योंकि हम कैंपस में बहुत झेल चुके हैं इस चीज़ को। भाई कैंपस में अलार्म बजता था ना और हम सो रहे थे, हम एक दूसरे को देखते थे, एक आई को आई टू आई कॉन्वर्सेशन होती थी कि हम जाएं या जलने दें, तो हम सोचते छोड़ो भाई नींद पूरी करो, हम भाई सोते रहते आग लगे लग जाए मरे मर जाओ। बट अभी जैसे अलार्म बंद हो चुका, डू यू थिंक ये शॉप बंद वापस आएंगे जल्दी? भरे मॉल तो देखो तुमने बहुत देखे होंगे, ठीक है, बट आज तुम देख सकते हो कि मतलब कोई नहीं है। मेरा निकल हमें दो बार इशारा कर चुके हैं सिक्योरिटी वाले कि दफा हो जाओ यहाँ से, बट हम तब भी ढीठ है, हम जा नहीं रहे मॉल से। मैं जाता हूँ देखना कि आग लगी कहाँ है, किसका हाथ है इसके पीछे। आग वो कुछ नहीं होगी, एक जगह हल्का सा धुआं निकल गया, अरे भाई आग लगी, चलो भागो, इवैक्यूएट नाउ। बट दो स्टोर पर भाई मैंने देखा है साइन बैक इन 10 मिनट्स, तो होप है क्या पता 10 मिनट में आ जाए। बट इसमें आग असली में लगी हो तो नहीं आएगा ब्रो, फिर ही इज गॉट टू गो। ये बैड की भी आग है। तो भाई हमारा मेन मुद्दा वैसे भी आपको ये दिखाना था कि मॉल है कैसा, ठीक है, लग्जरी है सब जगह, तो वो तो हमने आपको दिखाई दी, आग लगी वो अलग बात है, बट जो है यही है। एक और प्राइम एग्जांपल कि कोई नहीं बचा है मॉल में ब्रो, इट में ही हमें लॉक कर दे अंदर क्योंकि एक बंदा नहीं दिख रहा है। फिर वो मूवी नहीं थी नाइट इन द मॉल, नाइट इन द म्यूजियम, हमारे साथ होता है नाइट इन द मॉल। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, गेट के बाहर खड़े होकर उन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, दिलों में धड़कनों में सिर्फ और सिर्फ डर है उनके सामने, चेहरे देखे इनके पता ही नहीं क्या हो रहा है। आगे की खबर का हमें भी अंदाजा नहीं, आग लगाई किसने है, क्यों लगी और कहाँ लगी है कुछ पता नहीं चला है, सिर्फ और सिर्फ एक सन्नाटे जैसा अलार्म बजे जा रहे नॉन स्टॉप, सन्नाटे जैसा, आई थिंक यू मीन टू से शोर जैसा, शोर जैसा बिल्कुल। हमारे सब हमारा कैमरामैन फ्यूचर संवाददाता हो सकते हैं, बट प्रिपरेशन उनके भी चल रही है। तो भाई अब मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये भाई थे ट्रायल रूम में, कुछ वस्त्र ट्राई कर रहे थे, जैसे अलार्म बजा दुकान वाला ने कहा कि इवैक्यूएट करो, ये भाई इतनी जल्दी में इवैक्यूएट करे कि इनका फोन ट्रायल रूम में रह गया और वो बंदा स्टोर को ताला मार के चला गया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यार? वो बंदे ने बोल दी जल्दी जल्दी इवैक्यूएट करना है, तो मैं बस मुझे लगा टी शर्ट चेंज करके मैं तो बाहर आया, यहाँ पे आके 5-6 मिनट हो गए और फोन मैं जैसे जेब में डाला हाथ, फोन तो है नहीं। उप्स। तो क्या कीजिएगा, अब वेट ही होगा, अब घर में नहीं आ सकता, तो वेट ही करना पड़ेगा जब तक फर्दर अपडेट ना, इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। बट भाई हमने फायर मार्शल से बात की है, फायर बिल्कुल असली है, फॉल्स अलार्म नहीं है, तो हो सकता है मॉल खुले ना खुले, और अगर जैसे मॉल नहीं खुला आज तुम्हें खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, और हमें एक्चुअली हमें धुएं देखे हैं बहुत ज्यादा, अभी वो भी शॉर्ट में दिखाएंगे। और भाई हम नीचे ना आने का मतलब इसलिए क्योंकि जो गाड़ी हमने जहाँ पार्क करी थी तो बंदे ने बताया उसी सेक्शन के पास में लगी आग, बट हम अंदर जाके देख नहीं पा रहे, हम अंदर जा नहीं सकते, और हमारी अंदर ही अंदर सच पूछो तो फटी पड़ी है, बस मेरा फोन अंदर रह रखा हो, गाड़ी भी अपने खतरे में, गाड़ी बचनी चाहिए पर फोन तो फिर आ जाएगा, गाड़ी नहीं आ पाएगी। ये एडवेंचरस दिन ना ज्यादा एडवेंचरस हो गया है, होप कर रहे हैं कि भाई गाड़ी सेफ हो अपनी। तो भाई यहाँ हर बंदा एक्साइटेड है, हम ही परेशान खड़े क्योंकि ना हमें गाड़ी का पता और ना है भाई को अपने फोन का पता है, दुख हो रहा है अलग से। तो वैसे आज की वीडियो का पर्पस तो हमारा ये था कि ये मॉल कितना ज्यादा बढ़िया है, कितना ज्यादा लग्जूरियस है, इतना ज्यादा लग्जूरियस है कि आग लग जाएगी, तो भाई सुनने में आया कि जो ऑरेंज कार पकड़े से, हम तो अभी ग्रीन कार पार्क में है, हमारी गाड़ी सेफ है, हम अपडेट ले हैं पूरा जाके, बट जिन जिन की कार इस कार पार्क से लेफ्ट में है भाई वहाँ पे एक्सप्लोजन की आवाज़ आई है हमारे पास, दो या तीन। और एक और सैड चीज़, मतलब एक खुशखबरी तो ये है कि हमारी गाड़ी मिल चुकी है, तो आर यू हैप्पी? क्योंकि एक और जो सैड चीज़ है वो ये है कि भाई इनका फ़ोन जो रह गया था वो इन्होंने जो भी मॉल का यहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है उसने सबको दुकानों में जाके लॉक करने को बोल दिया और उनको बोला कि आपको अपना फ़ोन लेने कल आना पड़ेगा, आज मॉल खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मतलब फीलिंग सैड, एक दिन बिना फ़ोन की गुजरेगा, बहुत बहुत दुख है। अब भाई जिनकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई, भाई 3 ब्लास्ट तो मैंने गिने, अभी कितने हो गए होंगे अंदर? मेरा नहीं था ये, तुमने इन ह्यूमन बात कर दी बिल्कुल, तेरा फोन रह गया भाई। तो भी बात ऐसी है कि 1.5 घंटा किल करने के बाद हम वापस जा रहे हैं घर क्योंकि इन्होंने भूल लिया कि मॉल खुलने नहीं वाले, इनका फ़ोन कल मिलेगा तो कराना पड़ेगा हमें। एंड इन शॉर्ट भाई बहुत ही एडवेंचरस डे चला गया हमारा, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
वो भी बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो भी रिटेलर्स हैं उनको अंदर भेज रहे हैं ताले वाले मारने के लिए, आज भी खुलने की गुंजाइश नहीं है। तो भाई यही है बस, होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी डिफरेंट कंटेंट था जो हमने आज तक बनाया नहीं है कभी ऐसा कंटेंट, और ऐसी चीज़ तो हमारे साथ कभी हुई नहीं थी लाइफ में कि मॉल में गया। मतलब कसम से पहले मैंने सोचा था फॉल्स अलार्म होगा क्योंकि अक्सर वही होता, बट इट वॉज अ ट्रू फायर। समझ नहीं आ रहा भाई लास्ट में बोलूँ क्या, मेरा तो फोन जा चुका। तो आधे शॉर्ट तो सुना, तो ये वीडियो बहुत टाइम बाद डलेगी। बाकी भाई यही था आज की वीडियो के लिए, खुशी इस बात की है कि गाड़ी बची हुई है अपनी, ठीक है किस बात का कि फोन चले गया अभी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप तुम्हें पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब, 200K पे मिलते हैं सीधा।